देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोर्ट के रूम नंबर 102 में धमाका होने से हड़कंप मच गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक प्रकार का लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट है, जो कि एक तरह का क्रूड बम होता है। हालांकि इस दौरान पुलिस को मौके से IED, एक्सप्लोजिव, कीले और एक टिफिन नुमा चीज बरामद हुई है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। आपको बता दें, ब्लास्ट के बाद से NSG टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए इलाके की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा रोहिणी कोर्ट में चल रही सभी मामलों की सुनवाई रोक दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। दरअसल दिल्ली के दमकल विभाग के मुताबिक सुबह करीबन 10:30 बजे रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट की कॉल मिली है, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। वहीं रोहिणी कोर्ट कैंपस में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई है। जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगा, जबकि इस ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शायद लैपटॉप की वजह से ब्लास्ट हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए इलाके की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।